पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के हर जिले में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। मुरादाबाद में 4 फरवरी को सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कई दिन तक स्कूल, कॉलेज, सरकारी संस्थान के साथ शहर के अनेक स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें लोगों को यह जागरूक करने का प्रयास किया गया कि सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें, 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें और 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें। साथ ही सड़क पर चलते हुए राहगीरों का भी ख्याल रखें। ऐसी कई जागरूकता कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाए गए। 10 फरवरी को सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुरादाबाद शहर के कई स्थान पर वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए ARTO अमरीश कुमार द्वारा स्टिकर लगाकर सभी से अपील की गई कि वह यातायात नियमों का पालन करें। समापन अवसर पर आज किसी का भी चालान नहीं काटा गया और सभी को जागरूक भी इस तरह किया गया कि हर कोई व्यक्ति परिवहन विभाग के इस कार्यों की सराहना। कुल मिलाकर 4 फरवरी से 10 फरवरी चले इस सप्ताह के अंतर्गत समाज में जागरूकता फैलाई गई और कई नए वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाए। उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश पर सफलतापूर्वक ये काम जनपद मुरादाबाद में किया गया। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। इसी कड़ी में इस वर्ष 30वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। एक स्टेट में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पुलिस विभाग सामूहिक रूप से इस अवेयरनेस कार्यक्रम को एक सप्ताह के लिए चलाता है। तो इस बार ये 4 फरवरी से 10 फरवरी तक चलाया गया है। इसमें प्रतिदिन हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के माध्यम से लोगों को रोड सेफ्टी के प्रति जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार का मेन उद्देश्य ये है कि भारतवर्ष में विश्व में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंटल दुर्घटनाएँ हो रही हैं और उसके अतिरिक्त किसी भी अन्य कारण की तुलना में रोड एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा दुर्घटना हो। आज क्या कार्यक्रम है? आज इस क्रम में हम लोग सीट बेल्ट हेलमेट के अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं। फिलहाल अभी 1 घंटे के स्टार्ट से हम इसका चालान नहीं कर रहे हैं। लोगों को रोक कर मोटिवेट कर रहे हैं, उनको इस बात से इंस्पायर कर रहे हैं, उनकी गाड़ियों पर स्टिकर्स भी लगा रहे हैं। जैसे वो गाड़ी पर बैठे तो उनके सामने ध्यान आ जाए कि सबकॉन्शियस माइंड में लगातार उनके बैठ जाए कि हमें गाड़ी में बैठते ही सीट बेल्ट पहनना है। ये आर्गुमेंट नहीं होता कि हम शहर में चला रहे हैं यहाँ ट्रैफिक की स्पीड कम होती है, क्योंकि शहर से कम हम बाहर निकल जाएंगे तो हम चलाते समय तो सीट बेल्ट पहनते हैं। हम युवाओं से ये कहना चाहेंगे, युवा राष्ट्र है और युवा राष्ट्र हमारे देश का संसाधन है। हमारा जो भी भविष्य बनेगा इन्हीं पर बनेगा। हम नहीं चाहेंगे एक भी युवा की एक अनायास डेथ हो, क्योंकि वो हमारे एसेट हैं। तो हम यही चाहेंगे कि इस चीज़ को अपनी हैबिट में लाएं। हम इन्हीं कह रहे हैं आज सारे लोग हेलमेट पहनने लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे यदि हम प्रैक्टिस में आएंगे तो डेफिनेटली